हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो हमने तैयार किया है स्पेशली आप लोगों को ये समझाने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में, अगर उसे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के तौर पर देखना हो तो आप उसको कैसे समझोगे, उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो मिलकर एक पूरी पिक्चर कैसे बनाते हैं। पहले हम उसको एक ब्रॉड पिक्चर को देखना चाहते हैं, जिससे कि जब हम डेप्थ में जाएंगे, जब हम एक एक चीज़ को समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ किस सीक्वेंस में या कौन सा चैनल या कौन सा टूल किस सीक्वेंस में फिट बैठता है, राइट? तो किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे पहली चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग में, वो है अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना। और हर बिजनेस की टारगेट ऑडियंस जो है वो अलग अलग होती है। टारगेट ऑडियंस से यहाँ पर मेरा मतलब है वो लोग जो उस बिजनेस से रिलेटेड सर्विस या प्रोडक्ट को लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इन कंपैरिजन टू दूसरे पर्सन के। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड गुड्स बनाता हूँ, अगर मैं लेट्स से टॉयज़ बनाता हूँ, मेरा बिजनेस टॉयज़ का है, खिलौने बनाने का है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस बच्चे और यंग पेरेंट्स हैं। यंग पेरेंट्स का मतलब जो न्यू पेरेंट्स हैं। मैं 60 साल के लोगों के पास अपने खिलौने का एडवर्टाइज़ करने जाऊँगा तो ऑब्वियसली मुझे जो रिजल्ट होंगे वो वैसे नहीं मिलेंगे। तो मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने टारगेट ऑडियंस को एज के हिसाब से डिटरमाइन किया, इसी तरीके से आप जेंडर के हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेट्स से मेरा बिजनेस है मेल क्लॉथिंग्स का, मैं पुरुषों के कपड़े बनाता हूँ, तो उसके लिए मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो जेंडर स्पेसिफिक होगी। भाई, मुझे मेल ही टारगेट करने हैं। अगर मैं फीमेल या महिलाओं को वो प्रोडक्ट का जाकर ऐड करूँगा तो उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं निकल के आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई, आपको अपने टारगेट ऑडियंस अपने बिजनेस को लेकर डिसाइड करनी है कि आपके बिजनेस के लिए मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, क्या उनका एज ग्रुप होगा, कहाँ वो लेट्स से उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। बेसिकली जितना ज़्यादा डेटा आप इकट्ठा कर पाएंगे अपने टारगेट ऑडियंस को लेकर, अपने बिजनेस से रिलेटेड टारगेट ऑडियंस को लेकर, उतना ज़्यादा फ्यूचर में आप डिजिटल मार्केटिंग का फ़ायदा ले पाएंगे, राइट? अब टारगेट ऑडियंस मान लेते हैं, आपको पता चल गई कि भाई ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। उसके बाद क्या, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि अब आपको उस टारगेट ऑडियंस को, उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है। क्योंकि जब तक आप उस टारगेट ऑडियंस का ध्यान अपने वेबसाइट, अपने स्टोर, अपने बिजनेस, अपने यूट्यूब चैनल की तरफ अट्रैक्ट नहीं करवाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आप ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे? ध्यान आकर्षित करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो की पॉइंट है वो ये है कि आप उनको कुछ वैल्यूबल दें। वैल्यूबल क्या होगा? वैल्यूबल समथिंग लेट्स से जो उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है, या उनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करती है, या मान लेते हैं जो उनका इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट करती है। तो आपको ये सारी चीज़ें जब आप अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करेंगे तभी पता करनी पड़ेगी कि उनका पेन एरिया क्या है, राइट? अगर आपको पेन एरिया पता है, आपको पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, तो आप उन्हीं लाइंस पर उसी तरह का वैल्यूबल कंटेंट बना सकते हैं, जो फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, हम एक ऐसा ब्रांड लेते हैं जिनका वीआईपी सैलून है। वीआईपी सैलून इन द सेंस कि एक सैलून है जहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई प्राइस, लग्जरी सर्विस दी जाती है। बट अब उनको अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पर एक अच्छा सा वीडियो बनाकर डालते हैं कि लेट्स से हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, आपको अपने बालों की केयर कैसी करनी चाहिए, अपनी बियर्ड की, अपनी दाढ़ी की केयर कैसी करनी चाहिए। अब उनका जो वीडियो है ये अभी लोगों को एक वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है, साथ के साथ वो इस तरह का भी कंटेंट बना सकते हैं लेट्स से कि बालों को डैंड्रफ से कैसे बचाएं। अब ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जैसे ही लोग, जैसे ही वो ऑडियंस जो बालों के डंडरफ की प्रॉब्लम से परेशान है उस वीडियो को देखेगी, चांसेस कि वो उस वीडियो को देखने के बाद उनकी साइट पर जाके, उनके स्टोर पे जाके उनके प्रोडक्ट, मान लेते हैं उनके पास एक डंडरफ फ्री करने का प्रोडक्ट है, उसको परचेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइडिया इज़ टू शो यू कि आपको ये बताने का पर्पज़ है कि आपके पास आपकी टारगेट ऑडियंस है तो आप उसकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए जब तक वैल्यूएबल नहीं देंगे, चाहे वो फ्री या पेड है ये मैटर नहीं करता, आप ऐड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, यूट्यूब पर ऐड चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पर चला रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। वो वैल्यूएबल होना चाहिए तभी सामने वाला आपको अटेंशन देगा, क्योंकि और वो वैल्यूएबल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सामने वाले यानी कि आपकी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या होगा, जब वो वैल्यूबल कंटेंट होगा तो मोस्ट चांसेस हैं कि वो पर्सन आपके स्टोर पे या आपकी वेबसाइट पे आएगा, फिजिकल प्लेस पे आएगा, वहाँ पर आप सेल्स करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। कुछ ब्रांड दूसरी स्ट्रेटजी से चलते हैं, कुछ कंपनीज वो क्या करेंगी, वो वहाँ पर लेट्स से फिजिकल स्टोर या वेबसाइट पे सेल्स ना करके पहले ईमेल साइन अप या रीटारगेटिंग के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। रीटारगेटिंग की बात करें तो जैसे यूट्यूब पर आपने वीडियो डाला और जिन लोगों ने आपका वीडियो देखा और जो लोग आपकी साइट पे आए, आपने अपना प्रोडक्ट उनको फेसबुक पर दिखा दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है, आप अमेजोन पे लेट्स से एक्स प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसके बाद जब आप वापस फेसबुक पर जाते हैं तो वही एक्स प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आपको फेसबुक पर दिखने लगता है। इसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग, यानी कि आपकी ऑडियंस, आपके जो लोग हैं जिन्होंने आपका ऐड देखा था, उनको आप वापस से दोबारा टारगेट कर रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे या सेम प्लेटफॉर्म पे, ये रीटारगेटिंग है। ईमेल साइन अप कुछ ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, मान लेते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड है, पर्सन इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेगा कि भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो ईमेल साइन अप के बाद वो धीमे धीमे एक सीरीज ऑफ ईमेल, भी एक ईमेल, दो ईमेल, 10 ईमेल, 15 ईमेल, जिससे ट्रस्ट बिल्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और वो पर्सन फाइनली सेल्स या सेल हो जाती है, कन्वर्जन हो जाता है। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, ये प्रोसेस अगर आप कर रहे हो और अगर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इस सबको मेजर करना, जिसके लिए आप, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स को आप यूज़ करते हैं, आप मेज़र कर पाएंगे, आपका इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि कहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यूट्यूब से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से रिजल्ट आ रहे हैं, आपने लिंक्डइन पर कोई आर्टिकल लिखा है वहाँ से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, फेसबुक से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे, ये कॉमन सेंस है, ये एडवाइजेबल है कि आप वहीं पर अपनी एनर्जी ज़्यादा लगाएं, वहाँ पर अपने फंड्स ज़्यादा लगाएं, वहाँ पर मेहनत ज़्यादा करें। अगर आपको पता है कि मेरी 100 सेल्स में से 80 सेल्स यूट्यूब से आती है, तो ये सेंस मेक करता है आप यूट्यूब पर और ध्यान दें, राइट। लेकिन ये मेजर करने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स पर जाना पड़ेगा। ये जो गूगल एनालिटिक्स आप देख रहे हैं, इसको अपनी साइट के साथ कॉन्फ़िगर करना होगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम आपको डेप्थ में आगे कोर्स में ही बताएंगे, लेकिन इसका आइडिया है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप समझ पाएं कि एक टारगेट ऑडियंस को पहले डिफाइन करना है, उसके बाद उसकी अटेंशन लेनी है, कोई भी वैल्यूबल कंटेंट फ्री या पेड देके उसके बाद वो आपको उसको आगे भी गाइड करना है जिससे कि आप सेल्स कर पाएं, लेकिन उसके साथ साथ इस नंबर को मेज़र भी करना है ताकि आगे आप वापस उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा फोकस कर पाएं, राइट। तो आगे के वीडियोस में हम ये सीखने वाले हैं कि इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप काम कैसे करना है, ऑडियंस कैसे एक्वायर करनी है, वैल्यूएबल कंटेंट कैसे बनाना है, गूगल एनालिटिक्स कैसे सेट करना है। बट ये वीडियो था आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है डिजिटल मार्केटिंग। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। अब हम अगला वीडियो देखेंगे।